हेलो डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी कंसेप्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं दोस्तों, जो हमने लाइट का जो चैप्टर पढ़ा था उसके जो तीन अध्याय हैं वो हमने पहले जो वीडियो है उनमें कर लिए हैं। जो लास्ट सीरीज रह रही है जो स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ना, हमने रिफ्रैक्शन देखना इसके बारे में, वो आज पढ़ेंगे। यदि आपने अब तक जो तीनों वीडियो नहीं देखी है लाइट के चैप्टर की, ठीक है ना, सबसे पहले वो वीडियो देखें और फिर ये वीडियो देखें, ठीक है ना। दोस्तों बात करते हैं आज रिफ्रैक्शन बाई स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। रिफ्रैक्शन देखते हैं किसके बारे में, स्फेरिकल लेंसेज। हमने बताया था पिछली, जो आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले वीडियो देख लें फिर बाद में ये वीडियो देखना। स्फेरिकल लेंसेज के बारे में बताया था, इससे पहले बात हुई थी रिफ्रैक्शन की, किसके द्वारा रिफ्रैक्शन हो, रिफ्रैक्शन बाई स्फेरिकल मिरर के द्वारा आप पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में, ठीक है ना। तो स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले स्फेरिकल लेंस होता क्या है ये देख लेते हैं। हमें हमारे क्या काम आता है स्फेरिकल लेंसेज। देखो, जब हम कोई भी वस्तु है, जैसे कोई बुक है, उसकी रीडिंग करते हैं, जो हम यदि हमको दिखाई नहीं देती तो हम उसके स्पेक्टेकल जो होते हैं, जो चश्मा होता है, उसमें स्फेरिकल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है ना। और जो वॉच मेकर होता है वो भी क्या करता है, स्फेरिकल लेंस का यूज करता है, ठीक है ना। और जो तीसरी, जो सबसे अहम बात है वो क्या है दोस्तों, जो स्पेक्टेकल जो होते हैं ग्लास, वो हमेशा यूज होते हैं। कौन से, जो स्पेक्टेकल जितने भी हैं उसमें जो ग्लास होते हैं उसमें किसका यूज होता है, स्फेरिकल लेंसेज का, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था स्फेरिकल लेंस का यूज कहां होता है, और स्फेरिकल लेंस होते कितने प्रकार के हैं, दो तरह के होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल लेंसेज टू टाइप के होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहला जो स्फेरिकल लेंस है, सीधी सी बात है, स्फेरिकल लेंस होता क्या है, स्फेयर में मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसकी बात कर लेते हैं, जैसे मिरर पढ़ा था हमने स्फेरिकल मिरर, वैसे ही स्फेरिकल लेंसेज है, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, ये कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉनकेव लेंस, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। अब देखिएगा, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कॉनकेव लेंस है, इनको बोलते हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको बोलते हैं उत्तल लेंस, ठीक है, और इसको बोलते हैं आउटर लेंस। दोनों में डिफरेंस आ जाते हैं चैप्टर में, पांच नंबर में पूछ लेगा आपसे, दोनों में डिफरेंस बताओ भाई, ठीक है। देखो दोस्तों, जो उत्तल लेंस होता है, हमने बताया कि स्फेरिकल लेंस से ही दोनों लेंस बने हैं। तो मान लीजिए मैंने दो स्फेयर बना लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो इसका ये जो पार्ट होता है, ठीक है, जो ये बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको लेंगे सबसे पहले हम, आउटवर्ड वाले को, किसको, आउटवर्ड, और इसका भी आउटवर्ड। जैसे हमने इस स्फेयर में ये ले लिया पूरा, ठीक है, और इसमें कौन सा लिया, ये वाला, ये ऐसा बनेगा आपके, आप देखोगे तो बनाओगे तो, ठीक है, ये हमने ले लिया, और ये इधर वाला था, ये भी ले लिया। अब ये तैयार हो गया आपका कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इधर से देखेंगे, इसमें तो हमने लिया आउटवर्ड पोर्शन लिया स्फेरिकल लेंस का, और इसमें लेंगे इनवर्ड, इनवर्ड पोर्शन लेंगे। इनवर्ड पोर्शन कैसे लेंगे, देखो इसमें हमने ये पोर्शन लेना है इनवर्ड वाला, ठीक है, और
अब कौन सा लेना है? ये वाला लेना है, सेम ऐसा ही। कैसा था? ऐसा, ठीक है। अब इनको मिला दो। देखो दोस्तों, अभी दोनों लेंस में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो शेप में डिफरेंस है, ठीक है। इसका तो जो पोर्शन होता है आउटवर्ड और इसका होता है इनवर्ड पोर्शन, ठीक है। एक तो डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, और आपको पहचान होनी चाहिए ये कॉनवेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं और बता देते हैं इनकी प्रॉपर्टी। ये कुछ दो डिफरेंस चल रहे थे कॉनवेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में। देखो, ये मैंने बताया था आपको कि ये डिवर्जिंग लेंस है, डिवर्जिंग नहीं है, कन्वर्जिंग है। कौन सा लेंस है? कन्वर्ज करता है, ठीक है। इधर लिख देते हैं, ये कौन सा लेंस है? डिवर्जिंग लेंस। कैसे है डिवर्जिंग और कैसे है कन्वर्जिंग लेंस, ये देखेंगे सबसे पहले हम। देखो दोस्तों, ये जो रे आती है, ठीक है, इनकी डायरेक्शन जरूर दिखानी है। और ये पता है आपने, यदि मिरर फॉर्मूला हमने निकाला था पीछे, और मिरर से हमने जितनी भी इमेज बनाई थी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, रखने पर कहां पर हमें फोकस पे बन रही थी, या सेंटर से परे बन रही थी, या सेंटर से नजदीक बन रही थी, वो हमने पढ़ा था, ठीक है। यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो ये कन्वर्जिंग लेंस कैसे है, देखो ये यहां से बेंड हो जाएगी, ठीक है, ये भी हो जाएगी और ये भी यहां से बेंड हो जाएगी और ये भी हो जाएगी, ये, ठीक है। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये एक पॉइंट पे मिल गई, कहां मिल गई? एक पॉइंट पर मिल चुकी है, जिसको हमने F2 का नाम दिया है, क्या दिया है? फोकस, ठीक है। ये F1 है, पहला फोकस है, ये सेंटर है, ठीक है। ऐसे ही ये कन्वर्जिंग हुआ, रे कहां मिली? एक पॉइंट पे मिली, तो क्या हो गया? कन्वर्ज कर रहा है, छुड़ रहा है, ठीक है। डिवर्जिंग क्या होता है? देखिएगा, जो ये रे है यहां से गई, ठीक है, यहां से टकराई और रिफ्रैक्शन हुआ स्फेरिकल लेंसेज में, कॉनकेव लेंस में, ठीक है, और ये सीधी चली गई और ये, ठीक है, मुड़ गई इधर से, तो यहां पर हमारी इमेज नहीं बनेगी कहीं, ठीक है। हमने क्या किया? इसको मिलाया पीछे और इसको भी मिलाया, यहां पर ये दोनों मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, तो ये देखो ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो ये डिवर्जन हो रहा है, ठीक है। यदि एक पॉइंट पे मिलती तो क्या होता? कन्वर्ज होता, और ये अलग अलग डायरेक्शन पे जा चुकी है रे, तो क्या हो गया? डिवर्जिंग लेंस। इसी प्रकार इसको कॉनकेव लेंस को डिवर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है, और कॉनवेक्स लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। अपसारी और अभिसारी लेंस बोलते हैं इनको हिंदी में, ठीक है। आपको ये रखना है, जो अगली जो नेक्स्ट बात है हमारी, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंसेज रिप्रेजेंटेड बाई सी से हम रिप्रेजेंटेड करेंगे, किसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर को, जैसे ये C1 है, जैसे इसमें जो C1 है ऐसे ही, ठीक है, ये 2F2 हो गया, ठीक है। आप जो आगे बात करते हैं हम, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ये आपने अभी कह रहा हूं, यदि आपने मिरर फॉर्मूला वाली जो वीडियो है, जो इसके तीन पार्ट है, वो यदि आपने नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो देखें, तो आपको ये हलवा लगेगा दोस्तों, बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है ना। ये कौन क्या लेंस है और ये कौन वैक्स लेंस है, दोनों में डिफरेंस पूछेगा, तीन नंबर में आते हैं क्वेश्चन ये, तो आप कर देंगे आसानी से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, जो रे डायग्राम है, उनके बारे में पढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन देखते हैं लेंसेज में,
पहले मिरर में पढ़ा था हमने, अब लेंसेज में पढ़ेंगे, उसके कुछ कंसेप्ट हैं वो आपको दे दिए जाएंगे, देखिएगा इधर यूजिंग रे डायग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की और कॉनकेव लेंस की। ठीक है, इनके बारे में आपने पढ़ चुके हैं, आप अभी अभी मैंने पढ़ाया था कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे इनकी शेप होती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस में फोकस करना है थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड से हमने कोई रे पास करनी है, तो वो जो रे है कहां से गुजरेगी, हमने रे पास की ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, तो जो रे है आपकी कहां से गुजरी, फोकस से गुजरी है, कहां से गुजरी है, फोकस से। कौन से लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में। बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस की। ठीक है, यहां से हमने ऑल द सेम साइड ऑफ लेंसेज, सेम साइड लेनी है, यहां से हमने कोई रे पास की, ठीक है वही बात है, कहां से पास करनी है, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल से, जैसे हमने ये किए। ठीक है, ये रे गई इधर, इधर क्या हुआ, इसमें रिफ्रैक्शन हुआ और ये बैंड होती हुई सीधी चली गई। ठीक है, और हमने क्या किया, इसको पीछे मिलाने पर ये मिली इधर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है कौन केव लेंस में। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी इमेज बनती है। ठीक है, आभास होता है ये इमेज बन रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रियल बनती है, वास्तविक बनती है, जैसे हम अपनी इमेज देखते हैं वैसे इमेज मिलती है हमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्चुअल बनती है। ठीक है, आभासी बनती है। अब बात कर लेते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की, इमर्ज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमने फोकस से कोई रे गुजार दी। ठीक है, ये क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल में निकल गई, कहां निकल गई, प्रिंसिपल एक्सिस की, क्या हुआ, यहां पर इस लेंस से टकराई और यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ और किसके पैरेलल में हुई, प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, यहां से बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस में, हमने रे गुजारी इधर से, इमर्ज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से फिर रे आई और ये रे यहां पर बैंड होती हुई किसके समानांतर, कॉनकेव लेंस है, यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ है रे का, देखिएगा ये रिफ्रैक्शन हुआ है ऐसे, ठीक है सीधी चली गई और ये हमने इधर डॉट डॉट करके यहां पर फोकस पर इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है, आभास हुआ है। ठीक है ना, तो इमर्ज जो था प्रिंसिपल एक्सिस के, ये एक पैरेलल में चली गई, क्या रे, तो ऐसी जो रे होती है, हमेशा कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, कौन के लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। अब तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर पास रे इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, यदि हम रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, क्या नहीं होता, कोई डेविएशन, वो सीधी चली जाती है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाती है। और इधर बात कर लेते हैं इसमें कॉनकेव लेंस में भी यही प्रॉपर्टी है, जो रे आई ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्रैक्शन हुआ और सीधी चली गई। ये जितनी भी प्रॉपर्टी थी दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, आप इनसे आगे पढ़ेंगे, रे डायग्राम पढ़ेंगे, जो कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था, वैसे ही डायग्राम इनके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है ना, जैसे सभी का भला हो सके। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, हमने साइन कन्वेंशन स्फेरिकल लेंसेज अब पढ़ेंगे, और उससे पहले हमने क्या किया था, स्फेरिकल मिरर के पढ़ा था, उसके भी साइन कन्वेंशन थे, वैसे ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ आपको, देखिएगा, जो सबसे पहले क्या होता है, जो ये रे आती है ये कॉन्वेक्स मिरर से टकराएगी और यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, और ये किससे चली जाएगी, किससे ऊपर चली जाएगी, फोकस से। ठीक है, और जो दूसरी रे आती है वो ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी और इसमें रिफ्रैक्शन होकर के ये इमेज बनेगी आपको, आपकी ए डैश और बी डैश। ठीक है, इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है, ठीक है ना, बट उल्टी तो बनी है, ठीक है, सीधी नहीं बनी है। ठीक है, और देखिएगा आप इधर
जो ऑप्टिकल जो प्रिंसिपल एक्सिस है और ओ से लेकर के बी तक की जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं जिसको यू से डिनोट करते हैं, और यहां से लेकर के ओ बी डैश जितनी भी डिस्टेंस है इसको हम मिरर जो हमारी इमेज बनी है उसके डिस्टेंस वी से डिनोट करते हैं। और कौन क्या हो, लेंस में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, क्या होगी, नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स में हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के यहाँ से यहाँ तक अप टू तक जो ये होती है आपकी, इसको बोलते हैं स्मॉल एफ, इसको फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है ना। अब इससे आगे पढ़ेंगे हम अब जो अगला जो नेक्स्ट कंटेंट है हमारा टॉपिक नेचर पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जितने भी वेरियस पोजीशन पर यदि ऑब्जेक्ट को रखते हैं उससे जितना भी रिफ्लेक्शन होता है स्फेरिकल लेंसेज में, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला जो पॉइंट है एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहीं पर अनंत पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को। हमें पता है जब जब कोई रे, कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन होगा तो पहली जो रे है फोकस पे टकराएगी और वहां पर क्या होगा, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखिएगा हमने वस्तु को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा, हमें इमेज कहाँ मिली, फोकस अप टू पे। साइज बताना आएगा ऊपर में, साइज क्या है, छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है ना, एक पॉइंट के आकार का छोटा है, ठीक है। रियल बनी है हमें दिख रही है, वास्तविक है भी, ठीक है ना, इन्वर्टेड है, उल्टी जरूर है, ठीक है। अब वस्तु को यदि हम 2f1 पर रखें, 2f1 से परे रखें, कहाँ रखें वस्तु को, ऑब्जेक्ट को हम 2f1 से परे रखें, तो देखिएगा हमने इधर रखा वस्तु को, ठीक है, पहली रे आई वो फोकस से गुजरेगी, ये प्रॉपर्टी है, तो दूसरी रे आएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, इमेज मिली। तो इमेज हमें कहाँ पर मिली, f1 और f2 और 2f1 2f2 के बीच में मिली इमेज। और इमेज कैसी मिली, कैसी इमेज मिली, साइज डायमनाइज मिली, बहुत कम मात्रा में, बहुत छोटी मिली है, ठीक है ना। कैसी मिली है, वास्तविक मिली है, हमें दिखाई दे रही है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, ठीक है। अब वस्तु को कहाँ रखते हैं दोस्तों, एट 2f1 पर रखते हैं, यहाँ रखते हैं वस्तु को, देखो हमने यहाँ पर रखा वस्तु को, ठीक है, पहली रे इधर जाएगी और जो ये रे है इधर जाएगी, तो कहाँ पर मिलेगी, 2f2 पर मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी वस्तु, हमें इमेज कहाँ मिलेगी, 2f2 पर, कहाँ रखने पर, 2f1 पर, ठीक है ना, सेम साइज की मिलेगी डियर, सेम साइज की, ठीक है ना। और कैसी बनेगी, रियल बनेगी, और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। अब जो लास्ट है, इमेज कहाँ पर रखते हैं, बिटवीन f1 एंड 2f1 पर, f1 इधर है और 2f1 इधर है, ठीक है, इनके बीच में यदि मैं इधर इमेज रख देता हूं दोस्तों, तो इमेज कहाँ बनेगी, यदि वस्तु को इधर रख देता हूं तो हमारा प्रतिबिंब है जो वो कहाँ बनेगा, देखिएगा 2f2 पर रखा, इनलार्ज बना पहला बात तो, ठीक है, बनी कहाँ पर, 2f2 से परे इधर, ठीक है ना, 2f2 से इधर बनी और बहुत बड़ी मात्रा में बनी है, और ठीक है ना, और क्या बनी है, रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है, ठीक है, वास्तविक बनी है और उल्टी बनी है दोस्तों, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एट फोकस f1 पर रख देते हैं इमेज को, अब मैंने इमेज इधर रख ली है, ठीक है ना, और अब देखिएगा अब कहाँ बनेगी इमेज, फोकस पर रखी तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, यहाँ पर बहुत दूर जाके अनंत पर बनेगी, कहाँ पर सॉरी चाहूंगा, इन्फिनिटी पर रखी मैंने फोकस पर रखी है, ठीक है, इन्फिनिटी में इमेज प्राप्त हुई है और हाईली इनलार्ज है और रियल भी है और इन्वर्टेड भी है,
ठीक है ना। ऐसे हमने ये डायग्राम बना रहे हैं दोस्तों, जो लास्ट वाला है बिटवीन एफ वन एंड ऑप्टिकल सेंटर, एफ वन ये और ऑप्टिकल सेंटर ये, और ये हमने इमेज यहाँ पर रख दी है दोस्तों। तो क्या मिला हमें सेम साइज की, तो हमें क्या मिली, इमेज मिली बहुत लंबी मिली और वर्चुअल मिली, और क्या मिली हमें इरेक्ट मिली। वर्चुअल की बात कर लेते हैं तो आभासी बनी है, ठीक है, वास्तविक नहीं बनी है, ठीक है, रियल नहीं बनी है, वर्चुअल बनी है। कहां पर रखते हैं, एफ वन एंड ऑप्टिकल सेंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाओ जिनके पास पढ़ने के लिए ये फैसिलिटी नहीं मिल रही हो, और उनको पहुंचाओ उनके पास, इतनी शेयर करो वीडियो को जिससे उन हर एक मध्यम वर्ग के बच्चे को ये पढ़ना पड़े, ठीक है ना। और इन इतना बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, आपको कहीं ट्यूशन की जाने की जरूरत नहीं है ऑफलाइन क्लास की। वैसे आप ऑनलाइन क्लास में भी बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है दोस्तों। और जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कौन केवल लेंस के द्वारा वेरियस पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब तक पढ़ा था हमने कौन वैक्स लेंस के बारे में, और अब पढ़े हैं, देखिए अब दोस्तों अब तक पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, पोजीशन के बारे में, आप पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। स्टार्ट करते हैं, यदि वस्तु को इन्फिनिटी पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं वस्तु को, तो सबसे पता है हमें पता है कि जो पहली जो रे है वो हमेशा फोकस से गुजरती है, ये हमने प्रॉपर्टी अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है ना, प्रेस कर लीजिए। यहाँ से देखिए इन्फिनिटी पर रखा तो सीधी चली गई, ये भी सीधी चली गई, ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ और क्या हुआ रे में, वो सीधी चली गई, ठीक है। हमने क्या किया, बैक में मिलाया इनको और फोकस पे इसकी इमेज बना दी। इमेज कैसी बनी, फोकस पे बनी इमेज, तो और बनी कैसी, सबसे छोटी बनी है और वर्चुअल बनी है, आभासी बनी है और सीधी बनी है, वास्तविक तो बनी ही नहीं, ठीक है ना, आभास हुआ हमने मिलाया ना पीछे, तब जाके क्या हुआ है, वर्चुअल बनी है, ठीक है। अब रखते हैं इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, कॉनकेव लेंस की बात चल रही है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर रखते हैं इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वस्तु को, यहाँ पर रखते हैं A1, A और B, ठीक है, पहली रे गई, ठीक है, इसमें रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, और दूसरी रे गई वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल गई, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, हमने पीछे किया और ये दोनों रे पीछे करने पर इस रे को ये रे यहाँ पर मिल रही है, मिल रही है नहीं मिल रही, मिल रही है दोस्तों, ये मिल रही है, तो यहाँ पर हमारी इमेज बन गई। इमेज कहाँ पर बनी, एफ वन और ओ वन के बीच में, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ओ वन और एफ वन के बीच में इमेज बनी, छोटी इमेज बनी है वस्तु से, छोटी इमेज बनी है और रियल बनी है, वर्चुअल वर्चुअल बनी है, पीछे मिलाया ना हमने, और कैसी बनी है, सीधी इमेज बनी है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है ना, तो रियल और वर्चुअल इमेज में दो ही डिफरेंस है, देखो क्या डिफरेंस है, रियल इमेज जो होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, रियल इमेज हमेशा सीधी बनती है, क्या बनती है, सीधी बनती है, वर्चुअल हमेशा कैसी बनती है, कैसी बनती है, सीधी भी बनती है और उल्टी भी बनती है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो रे है, ये जो इमेज है, ये हमें पूर्ण रूप से दिखती है, ठीक है, और ये मिलाने पर दिखती है, वर्चुअल इमेज हमेशा आभास होता है, अब ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज है, आभास होता है, ठीक है। रियल इमेज तो वास्तविक इमेज होती है जो पूर्णतः ही हमें दिखाई देती है अपनी आंखों से, और वर्चुअल इमेज भी होती है जो हम मिलाते हैं, सपोज करते हैं, मान लेते हैं, वो होती है वर्चुअल इमेज। अब बात कर लेते हैं इससे अगला नेक्स्ट कॉन्टेंट की, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन यू एंड वी और एफ। ये होता है डिस्टेंस होती है इमेज की, ऑब्जेक्ट की, ये इमेज की डिस्टेंस और ये फोकल लेंथ होती है, दोनों का, तीनों का रिलेशनशिप भी क्या कहलाता है, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। इन पे न्यूमेरिकल आता है दोस्तों, वो एक आपका स्पेशल टॉपिक बना करके सारे के सारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में मिलेंगे आपको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं, हम सच नोट करते हैं, तो ये क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच वाई एच डैश वाई एच, हाइट ऑफ द इमेज जो हमारी प्रतिबिंब बना ना एच वन और एच, और उसको क्या डिनोट करते हैं वी बाई यू, ये क्या होती है ऑब्जेक्ट की और ये डिस्टेंस इमेज की। यहां से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे, कुछ वैल्यू दे देगा आप पे आपको और इनमें से पूछेगा कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल, ये क्या होती है पावर ऑफ लेंस, रेसिप्रोकल होती है किसकी, फोकल लेंथ की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो P इक्वल होता है इसको पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, वन बाई एफ होता है, हमेशा SI यूनिट क्या होती है पावर ऑफ लेंस की, डायोप्टर होती है, डायोप्टर, और एक डायोप्टर किसके बराबर होता है एक मिली इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। और हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव पावर मिलेगी आपको, ठीक है, और कॉनकेव लेंस में हमेशा नेगेटिव मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये सारा का सारा कंटेंट एनसीईआरटी कंटेंट है, आपको एनसीईआरटी कंटेंट यदि आपको ऐसे ही पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, वीडियो को इतनी शेयर करो कि हर विद्यार्थी के पास जो पढ़ना चाहता है उसके पास ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है ना दोस्तों। हम भी सहयोग कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि आप सहयोग करें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये इनके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल आएंगे, वो एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है ना, वो उसमें आपको देखने को मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप के टॉप सारे के सारे न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में करा दिए जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। यदि आपको कॉन्टेंट अच्छा लगा तो कॉमेंट में राय देना अपनी, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद, वंदे मातरम।